अमेठी से स्मृति ईरानी 20,000 वोट से पीछे चल रही हैं। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। किशोरी लाल शर्मा वहां पर आगे चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। आपको याद है ना कि किशोरी लाल शर्मा के लिए क्या कहा गया था? पीए तो वो परिवार के साथ काम कर रहे थे। बट आप इस डेरोगेटरी इस्तेमाल किया गया यूज्ड इन अ वेरी डेरोगेटरी फैशन। ये हो सकता आपने है। बहुत डेरोगेटरी तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन स्मृति ईरानी फिलहाल 20,000 वोट से पीछे चल रही हैं और ये खबर हम आपको अमेठी की बता रहे हैं। रायबरेली वाली सीट पर राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, वहीं अमेठी से स्मृति ईरानी 14,000 वोट से पीछे चल रही हैं। ये तरुण चुगजी इस वक्त की खबर है। सत्यप्रकाश मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मिश्र जी, जल्दी से कमेंट आपका गांधीनगर से। हालांकि देखिए एकदम क्लियर मार्जिन, मैसिव मार्जिन, 2,70,000 वोट से आगे चल रहे हैं अमित शाह। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा 78,000 वोट से आगे चल रहे हैं। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत भी जुड़ गई है कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। जल्दी से कमेंट आपका, फिर सुप्रिया जी के पास चलेंगे। मिश्रा जी, थोड़ा इंतजार और करना चाहिए क्योंकि मैंने आपके स्क्रीन पे देखा कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी पीछे चल रहे थे, फिर वो आगे गए। अरुण गोविल पीछे चल रहे थे, फिर वो आगे गए। 3 राउंड हुआ होगा अब तक, 21 राउंड है। थोड़ा इंतजार और करना चाहिए, चीजें साफ होंगी। क्लोज फाइट हो सकता है, मार्जिन में अंतर कम हो सकता है दो पार्टियों के हार और जीत का। जैसा आपने बिहार में दिखाया कि 9 सीट पे अन्य लोग पीछे चल रहे, उसमें 4 सीट लोजपा का है, 3 निर्दलीय जरूर वहां खड़े हुए हैं। आपके साथ आ रहे हैं बोलिए ना, कुछ आपके साथ आ रही है सिर्फ अभी तक के रुझानों के मुताबिक। थोड़ा इंतजार करना चाहिए, करते हैं इंतजार तो करना ही होगा। 2-3 राउंड ही हुआ है, 20-21 राउंड होते हैं। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जी, हमेशा इस वक्त तक एक क्लियर ट्रेंड मिल जाता है और वो ट्रेंड ये कह रहा है कि जो बड़े नंबर्स का दावा बीजेपी एनडीए की तरफ से किया जा रहा था वो बिल्कुल होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक टफ फाइट आप लोग देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मेजोरिटी उनके पास है और अमेठी की सीट पर भी केएल शर्मा आगे चल रहे हैं। सुप्रिया जी, आप सबको मेरा नमस्कार और जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। मेरा अपना मानना है कि जो चुनाव हुआ है वो मुद्दों पर हुआ है और ये जो नंबर है ये बड़े उत्साहवर्धक है, क्योंकि कुछ आंकड़ों ने तो हमें 100 सीटें भी नहीं दी थी इंडिया गठबंधन को। लेकिन मेरा अपना मानना है कि मैं अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश की बात जरूर करना चाहती हूँ। वहां पर पासा, वहां पर बाजी बिल्कुल पलटती हुई दिख रही है और इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको बीजेपी का गढ़ माना जा रहा था 75 सीटें आने वाली है। वहां पर फिलहाल मेरी जानकारी के मुताबिक, जो मैं आपके ही चैनल पर देख रही हूँ, 40-41 पर इंडिया गठबंधन आगे है, 36 पर बीजेपी है। बड़े बड़े उलटफेर हो रहे हैं। छोटी सी एक टिप्पणी जरूर करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी अगर एक भी राउंड में ट्रेल करे, चाहे वो 11,000 वोट से ही पीछे हो और अब उन्होंने बढ़त हासिल कर ली है, ये कहीं ना कहीं जनता का मूड, जनता का जो मूड वाराणसी में भी था वो दिखाता है। मैं बहुत प्रीमच्योर सेलिब्रेशन में यकीन नहीं रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि थोड़ी लीड्स और कंसोलिडेट हूँ, उसके बाद मैं अपने और उनके वस्तुत आंकड़ों पर बात करूंगी। लेकिन एक ट्रेंड ये जरूर दिख रहा है कि जो दंभ भरा जा रहा था, जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे, चुनाव मुद्दे की ओर मुड़ता हुआ मुझे साफ नजर आया। बिल्कुल, ये देखिए आपको एक और खबर दे दें। ये नॉर्थ मुंबई से खबर आ रही है जहां पर 36,000 वोटों से फिलहाल पीयूष गोयल 2 राउंड की काउंटिंग के बाद आगे चल रहे हैं। लेकिन 2 नहीं 21 राउंड होते हैं और जो जो जल्दबाजी कर रहा है वो 2015 का बिहार का चुनाव याद रखें, जब बहुत जश्न मनाने के मूड में आ गए थे, पटाखे भी छूट गए थे, लेकिन उसके बाद से जो झटका लगा था, तो इसे थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। आंकड़े आ गए हैं अंजना, जल्दी से मैं बता देती हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे मनोहर लाल आगे हो गए हैं। बड़ी खबर यह है, मनोहर लाल खट्टर जो पीछे चल रहे थे 10,721 वोट से, वो आगे हो गए हैं। और दूसरी तरफ फर्स्ट राउंड में उपेंद्र कुशवाहा भी आगे चल रहे हैं। रायबरेली अमेठी दोनों ही सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल पहले राउंड में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से आगे चल रही है। करनाल लोकसभा से मनोहर लाल आगे हो गए हैं। पाटलिपुत्र से मीसा भारती आगे हो गई हैं। रामकृपाल यादव वहां पर पीछे चल रहे हैं। और यहां पर आपको बताते चले, 20,000 से मंडी से कंगना रनौत 20,000 वोट से आगे की ओर चलते हुए दिखाई दे रही है। तो अब तक 543 के यानी कि सभी के रुझान निकलकर सामने आ गए हैं। 288 पर एनडीए, 223 पर इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी रायबरेली से आगे चल रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी के लिए कतई अच्छी खबर नहीं है, वहां से वो पीछे चल रही हैं और किशोरी लाल आगे चल रहे हैं। तो रायबरेली अमेठी से अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे कमाल का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी मौजूदा वक्त में करती हुई दिखाई दे रही है। ये आंकड़े निकलकर सामने आए। जल्दी जल्दी आपको बता दें, मेनका गांधी सुल्तानपुर से, सुल्तानपुर लोकसभा सीट से शुरुआती रुझानों में भाजपा की मेनका गांधी फिलहाल आगे हो गए हैं। आगे पीछे लगातार ये हो रहा है, आपको बता दें, कुछ आगे कुछ पीछे। फिलहाल मनोहर लाल अभी आगे हो गए हैं, अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं,
राजीव भारद्वाज बीजेपी के कांगड़ा से आगे चल रहे हैं, मंडी से कंगना रनौत आगे चल रही है, सुरेश कश्यप इस वक्त आगे की ओर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी की जो बड़ी खबर आपको ये दें, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के कमाल का यहाँ पर शानदार उनका जो लीड का मार्जिन है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है और कांग्रेस कहीं भी पीछे दिखाई नहीं दे रही है गांधीनगर में। और देखिए ना, उस सीट पर 1,55,367 के मार्जिन से फिलहाल गृहमंत्री अमित शाह आ गए हैं, जबकि सोनल पटेल जो वहां पर चुनावी मैदान में, उनको मुश्किल से 40,000 के आसपास वोट मिले हैं। इस बीच आपको बता दें विक्रमादित्य सिंह पीछे चल रहे हैं 23,000 के वोटों से, कंगना रनौत फिलहाल आगे चल रही हैं। आइए आपको बता दें गिरिराज सिंह पीछे चल रहे हैं बेगूसराय से, पिछली बार उन्होंने कन्हैया कुमार को इस सीट पर हराया था लेकिन फिलहाल बेगूसराय में वो खुद पीछे चल रहे हैं। हालांकि अभी शुरुआती राउंड से थोड़ा सा और इंतजार करना होगा लेकिन ये शुरुआती ट्रेंड्स बहुत कुछ कह रहे हैं और आरजेडी के भी अच्छे परफॉर्मेंस के संकेत मिल रहे हैं। जेडीयू साथ आरजेडी साथ, मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। आज आप लोगों से भी मेरी गुजारिश रहेगी छोटा छोटा कमेंट दीजिएगा ताकि तेजी से हम लोग नंबर्स बता सके। मृत्युंजय जी, लगता है कि तेजस्वी यादव की मेहनत रंग ला रही है, 7 सीट तो दिख रहा है, पिछली बार 0 पे थे आप? नहीं देखिए अभी तो और जो दिख रहा है उससे ज्यादा पर हम जाएंगे और ये जनता की मेहनत जो है तेजस्वी यादव जी पर जो विश्वास और आशीर्वाद जनता ने प्यार दिया उसका परिणाम आप 1-2 घंटे और इंतजार कीजिए। काराकाट की सीट पर लेकिन देखिए बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड आ रहा है, काराकाट की सीट पर जहां पर पवन सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे, ये काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह दोनों पीछे हो गए, लगता है यहां भी बाजी मार लीजिएगा क्या? हम अभी सब जगह छोड़िएगा नहीं, 25 सीट से ज्यादा पर बाजी मारेंगे, थोड़ा इंतजार लगा लीजिए, ठीक लगा लीजिए। अभी इसमें हम 40 नहीं बोले हैं, 400 पार वाला नारा नहीं दिया, हम तो 25 बोल रहे हैं। आज तो बोलने दीजिए, आज तो हमारे लिए वहाँ खोने के लिए क्या है, हम तो जो है वो पा रहे हैं और उसके बाद भी हम 25 कर रहे हैं। मिश्रा जी आपको बहुत तेजी से घूर रहे हैं, जल्दी से बताइए। वो तो अब इधर देख रहे हैं, अब इधर देख रहे हैं, अब तो मिश्रा जी इधर देख रहे हैं, उधर तो नैया डूबी है। ये भ्रम मत पालिए, नैया डूबेगी तो आप तो इधर कूद जाइए। ये भ्रम मत पालिए, अभी 2-3 राउंड हुआ है, थोड़ा इंतजार कीजिए। नहीं, 2 बजे के बाद आइएगा। संघर्ष है अंजना जी, उस सीट पे त्रिकोणीय संघर्ष है, उपेंद्र कुशवाहा जी, थोड़ा इंतजार कीजिए, आगे निकलेंगे। चलिए ठीक है।